जब जितेंद्र ने सांवले रंग के कारण मिथुन की बेइज्जती की। मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेता जितेंद्र ने लगभग आधा दर्जन फिल्मों में एक साथ काम किया। डॉट लेकिन ये कम लोगों को ही पता होगा कि साथ फिल्में करने के दौरान भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। डॉट हालांकि सीनियर कलाकार होने के नाते मिथुन ने कभी जितेंद्र के साथ बेअदबी नहीं की। दरअसल मिथुन का जितेंद्र को लेकर इस खुनस की वजह एक घटना थी जो मिथुन के स्ट्रगल के दौरान घटी थी। बॉलीवुड में आने से पहले ही मिथुन ने फिल्म मृग्या के जरिए नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया था, लेकिन मिथुन के आम चेहरे और सांवले रंग के कारण बॉलीवुड में कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये अभिनेता कमर्शियल फिल्मों के लायक हो सकता है, इसलिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। डॉट मिथुन अक्सर निर्माताओं से काम मांगने फिल्मों के सेट पर पहुंच जाया करते थे। एक दिन मिथुन निर्माता टीएलवी प्रसाद से मिलने नटराज स्टूडियो जा पहुंचे, जहां वो अभिनेता जितेंद्र के साथ शूटिंग कर रहे थे। मिथुन ने जब प्रसाद को अपना पोर्टफोलियो दिखाया तो वो काफी इम्प्रेस हुए और उन्हें जितेंद्र से मिलाया। डॉट प्रसाद ने जितेंद्र को बताया कि ये लड़का बॉलीवुड में हीरो बनने बंगाल से आया है। डॉट इतना सुनना था कि जितेंद्र जोर जोर से हंसने लगे। मिथुन की शक्ल सूरत देखकर वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मिथुन को कोई बॉलीवुड में काम मिल सकता है। निराश मिथुन वहां से जाने लगे तो जितेंद्र ने पीछे से कटाक्ष करते हुए, दश अगर ये साला हीरो बन जाएगा तो मैं फिल्मों में काम करना ही छोड़ दूंगा। मिथुन ने भी इस कटाक्ष को सुना लेकिन चुपचाप सर झुकाकर वहां से चले गए। 1982 में आई डिस्को डांसर ने उन्हें सितारा बना दिया और साथ ही जितेंद्र का विकल्प भी, क्योंकि मिथुन से पहले केवल जितेंद्र ही अच्छी तरह डांस कर सकते थे। 1992 में हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना है में मिथुन और जितेंद्र का आमना सामना पहली बार हुआ। डॉट शायद तब तक जितेंद्र अपनी भूल चुके थे लेकिन मिथुन नहीं भूले। डॉट हालांकि बाद में दोनों ने एक साथ कई फिल्में की लेकिन मिथुन ने जितेंद्र को कभी माफ नहीं किया।